फुटवेयर की एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमारे सुरक्षा बल के जवान जंगलों में घुसकर लाल आतंक के खात्मे के लिए देख रहे हैं किस तरह से सर्च अभियान चला रहे हैं। ये कल के मुठभेड़ की एक्सक्लूसिव जो है वो वीडियो निकलकर सामने आ रही है। ऑपरेशन के बारे में बताया जाता है कि ये 5 घंटे तक चला, दोनों ओर से जो है ताबड़तोड़ फायरिंग चली और चारों तरफ से घेर कर नक्सलियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि कल दोपहर 2 बजे के आसपास डीआरजी और बीएसएफ की टीम जो है सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी वक्त जो है नक्सलियों से आमना सामना हो गया, दोनों ओर से फायरिंग हुई और ताबड़तोड़ सुरक्षा के बलों ने इस तरीके से जंगलों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है नक्सलियों को घेर कर 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार जब ऐसा हुआ है जब एक साथ 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। अधिकारियों का क्या कहना है कि कैसे ये ऑपरेशन को ये अंजाम तक पहुंचाए, इसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से देखेंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखिए किस तरीके से जवान जो है जंगलों में फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, नक्सलियों को घेरते हुए लाल आतंक के खात्मे के लिए जो है ये सर्च अभियान जारी है, वो भी चुनाव के 3 दिन पहले। एक बड़ा ऑपरेशन, इसे हम कह सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये पहला सर्जिकल स्ट्राइक है नक्सलियों के विरोध में, जहां पर एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं। 29 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है। इसकी पहचान अभी तक कौन कौन नक्सली है सही रूप से नहीं हो पाई है। आज सुबह सारे जो है वो तस्वीरें क्लियर हो जाएगी, मगर बार बार आप देखिए ये इस वीडियो को किस तरीके से जवान जो है नक्सल अभियान चलाते हैं, जंगलों में खतरा बना रहता है आईडी का या फिर बूबी ट्रैप का। लेकिन सबसे बड़ी और एक चौंकाने वाली या कहें तो अच्छी बात यह भी है कि जवानों को ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है। मात्र 3 जवान जो घायल हुए थे, 1 जवान को पैर में गोली लगी थी, सभी जवान अभी सुरक्षित हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घायल जवानों को जो है वो उनसे जो है भेंट की। जवानों का हौसला काफी ज्यादा ऊंचा देखने को मिला, जवानों में काफी ज्यादा जोश देखने को मिला, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इससे पहले अगर देखा जाए तो चाहे वो बीजापुर हो, बस्तर हो, दंतेवाड़ा हो, बड़ा नुकसान सुरक्षा बलों को उठाना पड़ा था। मगर इस बार सारे जितने भी नुकसान सुरक्षा बलों का जो हुआ था उसका बदला लेते हुए एक साथ 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें 2024 में 80 नक्सली छत्तीसगढ़ में मारे गए हैं, साथ ही काफी ज्यादा संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। कहा जाए तो गृहमंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया था कि नक्सलियों को जो है मारा जाएगा, साथ ही छत्तीसगढ़ के सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि आप आत्मसमर्पण कर दें या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहें। वहां के मुख्यमंत्री का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नक्सली जो है वो सरेंडर कर दें या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहें, और इसी तरह होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा बल के जवान के द्वारा जो है एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए 29 नक्सलियों को मार गिराना एक बड़ी कामयाबी है। चलिए जानते हैं कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। काफी बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और उसके जैसे हमारे जो 2 दिन से लगातार इंटेलिजेंस मिल रही थी, और इसके अलावा पुलिस और बीएसएफ का कोऑर्डिनेशन, हम काफी दिन से हमारी कमांडो टीम और डीआरजी की टीम इस पर्टिकुलर इलाके में, ये कोटरी का जो ईस्टर्न साइड का इलाका है, यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि ये नक्सल का अबुझमाड़ का इलाका हब माना जाता है, तो काफी दिन से पुलिस और बीएसएफ की कमांडो टीम की प्रैक्टिस कर रही थी और हमने अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए बदली। और हमने हॉट परस्यूट और ड्राइव फॉर हंट का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन लिया, और इसके लिए जो फोर्स डिफेक्शन और मोबिलाइजेशन की डिफरेंट डायरेक्शन की ड्रिल अप्लाई, तो ये नक्सल के लिए काफी सरप्राइजिंग थी और हमारा एम यही सरप्राइज अचीव करना था। और जो आप देख सकते हैं कि ये इलाका बहुत ही चैलेंजिंग है, यहाँ हाइट्स काफी स्टीप है और उनपे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए नक्सल कभी सोच नहीं सकते थे कि वे आर एग्रेसिव और उनको टारगेट कर रहे हैं हम ईस्टर्न साइड से, और यही सरप्राइज उनके लिए घातक हुआ और हम इस इलाके में ऑपरेट करते हुए और नक्सल को भारी तादाद में कैजुअल्टी की। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जबकि डिविजनल कमेटी लेवल के शंकर राव और ललिता दोनों के दोनों कमांडर्स को हमने मारा है, और इसके अलावा भारी तादाद में उनके ऑटोमेटिक्स जो उनके कमांडर्स ही हैं वही ऑटोमेटिक लेके चलते हैं, क्योंकि हथियारों और अम्युनिशन की उनके पास काफी कमी है, तो इसमें काफी तादाद में हमने ऑटोमेटिक्स 17 के करीब अभी तक हमने रिसीव की हैं।
और अभी हमारा टारगेट है कि जो नक्सल इंजर्ड है उनके ऊपर भी हम लीड ऑपरेशन करें, तो जल्दी ही आपको और खबर मिलेगी। लेकिन निश्चित रूप से 29 नक्सलों को एट ए टाइम एक ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज करके, वो भी डिविजनल कमांडर लेवल के, ये पुलिस की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये तोहफा आज हम कांकेर की जनता को देना चाह रहे हैं।